नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की T20I सीरीज का तीसरा मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान धवन का यह फैसला बेहद गलत साबित हुआ और टीम इंडिया ने इस मैच में बेहद हैरान कर देने वाली और शर्मनाक बल्लेबाजी कर दी। भारतीय टीम में कोई भी बल्लेबाज ठीक से बल्लेबाजी नहीं कर पाया और टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 81 रन ही बना सकी। ये टीम इंडिया का T20I क्रिकेट में तीसरा सबसे लोएस्ट स्कोर है। आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए शिखर धवन के रूप में पहला झटका पारी के पहले ही ओवर में लग गया था। धवन गोल्डन डक का शिकार हुए थे। इसके बाद वनिंदु हसरंगा का जलवा मैदान में देखने को मिला। वनिंदु हसरंगा अपने जन्मदिन के दिन हैरान कर देने वाली गेंदबाजी की। उन्होंने अपने 4 ओवर की स्पेल में सिर्फ 9 रन खर्च करते हुए 4 विकेट निकाल दिए। इसके अलावा दाशुन शानका ने भी 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वहीं दुष्मंथा चमीना ने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए और 1 विकेट हासिल किए। भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन कुलदीप यादव ने बनाया। उन्होंने 28 गेंदों पर 23 रन बनाए। वनिंदु हसरंगा की बात करें तो उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट निकाला। इसके अलावा संजू सैमसन, भुवनेश्वर कुमार और वरुण चक्रवर्ती का विकेट निकालकर अपने 4 विकेट पूरे किए। टीम इंडिया का 5वां विकेट सिर्फ 36 रन के स्कोर पर गिर गया था। आपको बता दें, शुरुआती 10 ओवर में टीम इंडिया सिर्फ 39 रन ही बना सकी थी। ये T20I क्रिकेट में शुरुआती 10 ओवरों में टीम इंडिया का सबसे लोएस्ट स्कोर है। आपको बता दें, कुलदीप यादव ने 28 गेंदों पर 23 रन बनाए। उन्होंने कोई चौका नहीं लगाया। आपको बता दें, दूसरा मैच जीतकर श्रीलंका ने 1-1 से सीरीज बराबर कर ली थी और शानदार अंदाज में टीम इंडिया को तीसरे T20I में सिर्फ 81 रन पर रोककर शानदार आगाज किया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।